स्क्रीन पर आप देख सकते हो लेवल 6 चल रहा है। सही है जी, जल्दी से जल्दी लेवल 6 कैसे कंप्लीट करके लेवल 7 पे पहुंचे। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करके 6 पर मैनेजमेंट पर क्लिक करके अभी यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो 7th लिखा हुआ है। पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी तक के आपका घर कहाँ तक पहुँचा, लाइक कौन से लेवल पर। यहाँ पर नीचे आपको प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही 350 जैसे हो जाएगी, यहाँ पर आपको अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप न्यू है और नहीं आइडिया है प्रॉस्पेरिटी क्या है तो चैनल की वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लेवल अप रिवॉर्ड कुछ मिल जाएंगे, जैसे यहां पर 350 मेरा कंप्लीट होगा तो मुझे बाकी सारे लेवल्स के रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हो यहां पर 342 है, मतलब ये कि हमें 350 चाहिए। मैनेजमेंट पर क्लिक करोगे ना तो यहां स्क्रीन पर देख सकते हो हमें 350 प्रॉस्पेरिटी चाहिए, और जैसे 350 हो जाएगी तो हमारा ये वाला लेवल कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको एडिट वाला मोड मिल जाएगा, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिट वाले मोड पर आने के बाद अब आपको एक एक चीज ऐड करनी है। अब आपके इन्वेंट्री में क्या कुछ बचा है वो कुछ लगा दो यहाँ पर, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉस्पेरिटी कंप्लीट हो जाए। अभी अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए 346 है। अब मेरे पास ऑप्शंस है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल्स का, बिकॉज मटेरियल्स है। अब मेरे पास स्ट्रक्चर ऑलरेडी 55 हो चुके हैं, सिर्फ फर्नीचर लगा सकती हूँ या तो मटेरियल्स लगा सकती हूँ। ये दो चीज़ें लगा करके मुझे अपने घर को अपग्रेड करना है, अदरवाइज घर अपग्रेड होगा नहीं। यहाँ पर मैं पहले ढूंढ लेती हूँ कि कुछ तो मिला है, सब 00 है भाई, कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ पर देखो 2-3 था वो मैंने लगा लिया और 350 यहाँ से हो चुका है। मतलब ये कि अब पहले आपको करना है सेव। सेव करने के बाद आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाना है। जब तक आप सेव नहीं करोगे तब तक क्रिएट वाले ऑप्शन पर नहीं जाना है, फिर आपका घर सेव नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने सेव किया है, फिर मैं क्रिएट करी हूँ, उसके बाद अब आपको वेट करना है। जैसे थोड़ा टाइम वेट हो जाओगे, वेट कर लोगे ना, प्लीज़ वेट, उसके बाद आपकी बिल्डिंग्स बन जाएगी। यहाँ पर आपको थोड़ा देर वेट करने के बाद अभी यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो अभी थोड़े टाइम में हमारा घर जो है अपग्रेड हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ लेवल 6 पर क्लिक करना है। सही है जी, अभी 350 हो चुका है हमारा। देखो यहाँ मैनेजमेंट पर क्लिक करोगे अब आपको अपग्रेड का ऑप्शन आ गया है। इस तरह से आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है। अब स्क्रीन पर देख सकते हो अलग तरीके का एक नोटिफिकेशन आया है। यू नीड अ 120 मोर होम कॉइन्स, यूज एट 12 UC टू मेक अप फॉर द रिक्वायरमेंट अमाउंट। अब आपके पास उतने कॉइन्स नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपकी कुछ UC यहाँ से कट जाएगी। तो वही वो लोग कन्फर्म कर रहे हैं कि ओके पर क्लिक कर दे क्या 12 UC कंप्लीट करके और अपग्रेड कर ले। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे लोगों ने अपग्रेड किया है ना, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमारी यूसी कट चुकी है। तो जस्ट बिकॉज वो लोग यहाँ से डायरेक्टली अपग्रेड कर लेते हैं और यूसी कट जाती है। अब जैसे ही होम लेवल्स अप हुआ, अब आपको कुछ रिवॉर्ड्स एक्स्ट्रा मिले, जैसे म्यूजिक इंस्ट्रक्शन हो चुका है, सेलेक्ट एनी म्यूजिक फॉर अ रिव्यू, यहाँ पर आप देख सकते हो म्यूजिक प्लेयर्स, यहाँ पर टैप टू व्यू म्यूजिक प्लेयर्स प्लेस्ड इन योर होम, कहाँ पर आपको ये म्यूजिक प्लेयर रखनी है, ठीक है, वो भी यहाँ पर शो है। यू कैन सेट इस बैकग्राउंड म्यूजिक एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक, आप इसको एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हो। ऐड और चेंज द म्यूजिक इन योर म्यूजिक प्लेयर्स लिस्ट, जहाँ पर आपकी सारी लिस्ट है वहाँ से आप जो है इसको चेंज भी कर सकते हो। टैप टू व्यू म्यूजिक प्लेयर, इस तरह से। अब आपके पास लेवल 8 आ चुका है। अब लेवल 8 के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखो ये तो आपको म्यूजिक के ऑप्शंस मिल चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियोस में बताए थे कि आपको वेदर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाएगा, लाइट ऑन रखे या ऑन रखे उसका ऑप्शंस मिल जाएगा। अगर आपको रैंडम क्लिक करना है तो आप रैंडम क्लिक कर सकते हो, आफ्टरनून क्लिक करना है आफ्टरनून क्लिक कर सकते हो, डस्क क्लिक करना है डस्क क्लिक कर सकते हो, जो आपको ऑप्शंस चाहिए अपने वेदर्स का। मोस्टली काफ़ी सारे लोगों ने डस्क क्लिक कर दिया, बट मुझे ना वो वाला एनवायरनमेंट पसंद नहीं आता है गाइस, वेदर आफ्टरनून वाला, जहाँ सूरज निकला है ना इंसान को अच्छा लगता है कि नहीं। यहाँ पर लाइट मैनेजमेंट मिल जाएगा, फिर म्यूजिक के ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ से आपको म्यूजिक प्लेयर मिल जाएगा, म्यूजिक सुन सकते हो, और यहाँ पर आप जो है क्लिक करके सेट एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हो, और यहाँ से आप जो है कौन सी म्यूजिक है आपके पास ये सारी लिस्ट शो हो जाएगी म्यूजिक प्लेयर में। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगी कौन कौन सी म्यूज़िक आपके लिस्ट में है। गो के ऑप्शन पर जाओगे तो वहाँ पर जहाँ इन्वेंट्री में आपको जहाँ पर क्लैन का ऑप्शन नज़र आता है ना, प्रोफाइल जहाँ पर होती है उसके नीचे, फिर उसके बाद आपको ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो प्रोफाइल के नीचे आपको ना म्यूज़िक का भी ऑप्शन है, जहाँ से आप म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ से आप ऐड ऑन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, प्लस यहाँ से आपको देख सकते हो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि किस तरह से जो आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को ब्लॉक कर रखा है उसको अनब्लॉक कैसे करना है, वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये सब कुछ डिटेल है। जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका लेवल का घर बढ़ते जाएगा। काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे ब्लू प्रिंट को लेकर के, तो मैं अब डायरेक्टली ब्लू प्रिंट पर जंप नहीं करना चाहती। मैं एक लाइन से वीडियो बना रही हूँ ताकि जब बाद में कोई अगर कभी देखे या फिर कोई न्यू ज्वाइन करे होम क्रिएट करे तो उसको आसानी हो जाए किस तरह से ये सारी चीज़ें बनती है, ये समझ रहे हो। तो ये इस वजह से मैंने सारी चीजें डिटेल में, तो ब्लूप्रिंट वाला ऑप्शन आएगा। ब्लूप्रिंट बेसिकली आप किसी का भी घर
कॉपी करके आप अपना घर बना सकते हो, दीवार वगैरह खड़ी कर सकते हो, बाकी आपके पास जो भी सामान है वो आप उसके अंदर अपग्रेड करो, अपने हिसाब से बनाओगे, बस ब्लू प्रिंट घर का नक्शा वहाँ से आप फ्री में कॉपी कर सकते हो, बस इतना ही है, बाकी तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। बाकी चैनल की डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, कुछ वीडियोज़ में भी आपको काम में आ जाए, होम के मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं। सो यही था, इस वीडियो में अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर।